लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गांव, गरीब, किसान और मजदूर को सशक्त और समृद्ध बनाने का काम किया है। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में हमने मात्र 3 महीनों में मोदी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है, जिसका इनाम प्रदेश की जनता हमें 11 लोकसभा सीटों को जिताकर देगी, क्योंकि वे फिर से मोदी जी को पीएम बनाने के लिए उत्सुक हैं। आज लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और पूरे देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा और सभी मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व को मनाने के लिए बहुत उत्साहित हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इसको ध्येय वाक्य मानकर काम किया है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए उन्होंने काम किया है और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में अभी हमारी सरकार को मात्र 3 महीने हुए हैं, लेकिन इन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी के बहुत सारे वादे हम लोगों ने पूरा किया है। बड़े बड़े जितने भी काम थे सब वादा पूरा किए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस बार छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के मतदाता 11 के 11 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हम लोग पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देंगे। इस बार हम लोगों का नारा है अब की बार 400 पार और ये पूरा दिख रहा है पूरे देश में। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों से सभी लोग वाकिफ हो चुके हैं और जैसे मैंने पहले ही कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसको ध्येय वाक्य मानकर हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।